हम क्वेश्चन लेके आए सीएसके नेट जून 2000 चैंपियनशिप। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेनी अल्जेब्रा से, हमें दिया गया है ए बी एंट्रोसाइन मैट्रिक्स है सर दैट ए से क्या हमारे पास ए के इक्वल दैट पूछा गया कि द आइगन वैल्यू ऑफ ए आइदर 0 या फिर 1 होगी या फिर ए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी विद डायगोनल एंट्रीज क्या हमारे पास 0 और 1 है। ऑप्शन सी कहता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए क्या होगा दोनों इक्वल होंगे। ऑप्शन फोर कहता है रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आई माइनस ए वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखो अगर मैं बात करूं जो हमें शुरू में दिया गया, हमें दिया गया क्या है ए हमारे पास n को स्क्वायर की मैट्रिक्स है, दूसरी कंडीशन दी है कि ए स्क्वायर दिया है हमारे पास ए के ही बराबर है, ठीक है। अब ए स्क्वायर ए के बराबर है, अब यहां से देखो ए स्क्वायर के बराबर इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस ए क्या है 0। अगर इसकी एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल बनाओगे एनिहिलेटिंग x में क्या बनाऊंगा x स्क्वायर माइनस x क्यों बनाए क्योंकि अगर मैं इसमें a को पुट करता हूं तो a स्क्वायर माइनस a क्या बनेगी 0 बनेगी, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास n रिलेटिव पॉलीनोमियल बन गया क्योंकि इसको इस दो भी पॉलीनोमियल को अगर कोई मैट्रिक्स सैटिस्फाई करती है तो वो पॉलीनोमियल क्या बन जाती है उस मैट्रिक्स की n रिलेटिव पॉलीनोमियल बन जाती है। अब यहां देखो अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं f into x minus 1 अब हमें पता है जो मिनिमम पॉलीनोमियल होगी a की वो क्या करेगी वो डिवाइड करेगी n रिलेटिव यानी कि अब इसको डिवाइड करें अब मिनिमल पॉलीनोमियल जो ए की है उसके पास क्या-क्या पॉसिबिलिटी है या तो x हो या फिर x माइनस 1 हो या फिर x इनटू x माइनस 1 हो। मिनिमल पॉलीनोमियल पास तीन ही चॉइस है या तो x हो या x माइनस 1 हो या फिर x इनटू x माइनस 1। अब यहां से देखो अब मिनिमल पॉलीनोमियल मान लेते हैं मिनिमल पॉलीनोमियल ए क्या है हमारे पास x है। अब a एंड्रोसाइन मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बनेगी a की वो क्या बनेगी x रेज़ टू पावर है। अब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बनती है ये बनती है हमारे पास 0 मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं मिनिमल पॉलीनोमियल a क्या हो x माइनस 1 इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए क्या बन के आएगी इसके कोरस्पोंडिंग वो बन के आएगी x माइनस 1 की पावर है। ये क्या बनती है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है एंड्रोसन। अगर मैं मिनिमम पॉलीनोमियल क्या बात करूं x इनटू x माइनस 1 यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बन के आएगी वो क्या बन के आएगी x रेज़ टू पावर अल्फा इनटू x माइनस 1 की पावर यानी कि जो इसकी आइगन वैल्यू बनेगी वो 0 और 1 बोथ बनेगी। अब यहां से देखिए मिनिमम पॉलीनोमियल ओनली 0 सॉरी x है ठीक है तो यहां से आइगन वैल्यू क्या बन रही है जो इसका रूट बनेगा यानी 0 यानी कि यहां से अगर x बनेगी तो ओनली आइगन वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 0 बनेगी यहां से ओनली आइगन वैल्यू हमारे पास 1 बनेगी। अब यहां से बात करूं तो आइगन वैल्यू क्या बनेगी 0 या 1 बनेगी कितना am gm बनेगा वो बाद में देखेंगे ठीक है। अब देखो यहां से यानी कि जो भी इसकी आइगन वैल्यू बनेगी या तो आइगन 0 बनेगी या 1 बनेगी या तो ये पक्का हो गया तीनों क्वेश्चन यानी कि जो ऑप्शन 1 है हमारे यहां से करेक्ट हो गया कि यहां से इस जो आइगन वैल्यू बनेगी वो 0 या फिर 1 बनेगी ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं ऑप्शन 2 की ए क्या है डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी विद डायगोनल एंट्रीज 0 और 1 ठीक अगर मैं मान के चलता हूं मैं मिनिमम पॉलीनोमियल इसको कंसीडर करता हूं और n मैं मान के चलता हूं n इज इक्वल टू तब हमारे पास जो मिनिमम पॉलीनोमियल a ऑफ x क्या बनेगी x * x - 1 दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x और वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल यहां से बन गया। अगर इसके कोरस्पोंडिंग अगर मैं मैट्रिक्स बनाना चाहूं अगर मैं मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो कैसे बना सकता हूं देखो बनाना क्या है x स्क्वायर माइनस x यानी कि x स्क्वायर अगर मैं यहां पे 1 लिखूं 0 1 0 अब देखिए ये कैसे बनाएंगे हमने देखो हम कैसे बनाते हैं टू क्रॉस 2 के लिए लैम्डा स्क्वायर या फिर x स्क्वायर माइनस के क्रेस ऑफ a इनटू x प्लस के डेटमेंट ऑफ a ठीक है a इक्वल टू 0 करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल हमारे पास बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी सो ठीक है अब नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो पॉलीनोमियल बन जाएगी। अब यहां से देखो क्रेस ऑफ a क्या बनेगा 1 यानी कि x स्क्वायर माइनस अब इसका डेटरमिनेंट हमारे पास 0 तो x स्क्वायर माइनस का क्रेस ऑफ a क्या बनेगा 1 यानी कि x ठीक है ये क्या बन गई
इसके कोरस्पोंडिंग हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स को जनरेट कर दिया। ये इसका मतलब क्या है, जो ए स्क्वायर एक निकालेंगे इसके लिए क्या बनेगा, इसके ए की बराबर आएगा हमारे लिए। परंतु क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, इसकी आइगन वैल्यू 1 और 0 है, डायगोनल मैट्रिक्स भी 1 और 0 है, उसके अलावा भी हमारे पास 8 टू 1 क्वेश्चन भी क्या है, 1 है 0 नहीं है, ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा सेकंड है वो यहां से हमारा इनफेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन 3 की, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए के बाय, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए के बाय। अगर मैं बात करूं ऑप्शन 3 की, अब देखो मिनिमम पोलर में क्या क्या हो सकती है, अगर मिनिमम पोलर में हमारी एक्स हो तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, जीरो मैट्रिक्स बनेगी, जीरो मैट्रिक्स बनेगी, जीरो मैट्रिक्स के लिए रैंक ट्राइज दोनों ही बराबर होगी। अगर मैं बात करता हूं मिनिमम पोलर में एक्स माइनस वन बनेगी, उसके लिए प्रैक्टिस पोलर में एक्स माइनस वन की पावर एन बनेगी, यहां से जो मैट्रिक्स बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, यहां से भी रैंक और ट्रेस क्या है दोनों ही इक्वल होंगे। अगर मैं बात करता हूं नॉन आइडेंटिटी नॉन जीरो मैट्रिक्स की, तो यहां से जो मिनिमम पोलर बनती है वो एक्स इनटू एक्स माइनस वन बनती है, जो करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बनती है हमारे पास वो बन के आती है x रे टू पावर अल्फा इनटू x माइनस 1 की पावर n माइनस अल्फा। अब यहां से देखो जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा हमारा क्या बनेगा, जो हम जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे एल्गोरिथम के लिए, अब देखो यहां से x की तरफ क्या 0 के कोरस्पोंडिंग कितने ऑर्डर का बनेगा, 1 ऑर्डर का बनेगा, यानी कि एक तो यहां बनेगा कुछ ऐसा, 1 के लिए बनाएंगे इसका ऑर्डर कितना बनेगा, x माइनस 1 की पावर 1 है, यानी 1 के 1 के कोरस्पोंडिंग एक ऑर्डर का बनेगा। अब जो बाकी जो बनेगा, अब जो बाकी बनेंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, या तो इनके बराबर हो गया इनसे छोटा, यानी कि या तो उनका ऑर्डर 1 होगा जो ब्लॉक बन के आएगा, या तो 0 के कोरस्पोंडिंग आएगी वैल्यू, या फिर 1 के कोरस्पोंडिंग बन के आएंगे, या तो ऑर्डर उनका 1 होगा या से छोटा होगा। अगर 1 होगा तो कोई ना कोई यहां पे डायगोनल पे कुछ एंट्री आएगी हमारे पास नॉन जीरो, अगर 1 नहीं हुआ, अगर 1 नहीं हुआ तो 0 बनेगा, यानी ऐसे बदल जाएगा। अब देखो ये सारे कहां एंट्री है, डायगोनल का सारी का ये डायगोनल का है, कि 1 ऑर्डर का डायगोनल पे आएगा, 0 पे डायगोनल पे आएगा। अब डायगोनल का है तो टेस क्या होगा, इनका सम होगा टेस। और अगर मैं रैंक की बात करूं सबकी पोजीशन क्या है, देखो सबकी पोजीशन क्या है, डायगोनल पे, तो यानी कि जो रैंक बनेगा, जो नॉन जीरो वैल्यूज बनेगी वही रैंक देगा, और जो सम देगा वही हमारा टेस देगा। यानी कि जो सम करेंगे जो बन गए, मान लो देखो जैसे कि मान लो 3 + 3 के लिए बन के आ रहा है, अगर कुछ ऐसा बन के आता है, देखो यहां से रैंक क्या बन गया है, 1 2, यानी कि 2 क्या है मेरे पास नॉन जीरो रोज है, और टेस्ट करेंगे इसका टेस्ट कितना है 2, तो यानी कि रैंक और टेस्ट क्या दोनों क्या है इक्वल आ जाएंगे, जो भी यहां पे वैल्यू बन के आएंगे उनके अकॉर्डिंग रैंक और टेस्ट क्या होंगे इक्वल आ जाएंगे। अगर इसका मतलब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यहां से वो करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन 4 की बात करूं, ऑप्शन 4 की बात करूं, अब ए जो मैट्रिक्स है उसका अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, परंतु अब i माइनस a का स्क्वायर क्या आ गया, i माइनस a के ही इक्वल आ गया, यानी कि जो ये मैट्रिक्स बन के आई है ये भी क्या आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, यानी कि i माइनस a को मैं कोई b नाम दे दूं इसका मतलब क्या है, जो b स्क्वायर क्या बन गया है वो b के ही इक्वल बन के आएगा। और हमें पता जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम ऐसी मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो ये हमारा थर्ड था यानी कि रैंक टेस्ट बराबर थे तो ये भी तो आइडेंटिटी बन के आई, इसके लिए भी तो सिमिलरली रैंक और टेस्ट दोनों ही बराबर हो जाएंगे, इनका ऑप्शन 4 भी हमारा से करेक्ट हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन हमारा सीएसए नेट जोन 2017 से। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, थैंक यू।